बानो थाना क्षेत्र की युवती की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का लगाया आरोप। सदर थाना में आवेदन देकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की कर रही मांग। सोमवार सुबह 10 बजे से अपने घर से लचरागढ़ अपने मामा के घर के लिए निकली थी युवती। परिजनों के अनुसार शाम 7 बजे अनजान नंबर से फोन कर युवती के सदर अस्पताल में भर्ती होने की दी गई जानकारी। परिजनों ने बताया जिस दुर्घटना की बात की जा रही है उस वक्त युवती घर से निकलते समय पहने हुए कपड़े में देखी गई, लेकिन सदर अस्पताल में उसके कपड़े बदले हुए हैं। साथ ही शरीर पर चोटों के निशान हैं। परिजन आरोपी की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम नहीं कराने की मांग कर रहे हैं। जिला मुख्यालय के एनएच 143 पर जाम कर भाजपा कर रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। सड़क जाम कर रहे भाजपा नेताओं को समझाने पहुंचे एसडीओ महेंद्र कुमार, डीएसपी पत्रस बिरवा, सीओ प्रताप मिंज, थाना प्रभारी दयानंद कुमार, भाजपा नेत्री पूर्व मंत्री विमला प्रधान सहित सभी लोग डीसी को बुलाने की मांग पर अड़े। पूर्व मंत्री ने कहा महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है सरकार। एसडीओ महेंद्र कुमार समझाने के बाद समझे आक्रोशित भाजपा नेता। एसडीओ द्वारा दोषी को तत्काल पकड़ने, मृतक के परिजनों को सरकारी मदद देने के आश्वासन के बाद भाजपा नेताओं ने जाम हटाया। पूर्व विधायक विमला प्रधान, भाजपा नेता श्रद्धानंद बेसरा ने प्रशासन से मृतक किशोरी को न्याय देने की बात करते हुए कहा उनका उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं अपितु न्याय के लिए लड़ना है। एसडीओ डीएसपी के आश्वासन समझाने के बाद सड़क जाम समाप्त हुआ। मई बानो प्रखंड में बानो घटना के बाद ग्रामीणों ने कोलेबिरा मनोहरपुर मुख्य पथ को बानो बिरसा चौक के समीप जाम किया। अपराधी को फांसी दो, मृतिका को न्याय दो के ग्रामीणों द्वारा नारे लगाए जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट आरपी भारत। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।